बात करेंगे जॉब रहने वाली है एस टी एयरोस्पेस गाइस कंपनी में ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ गाइस, स्क्रॉल डाउन करेंगे जॉब्स इनकी, तो जॉब्स यहाँ पे देखोगे कस्टमर सपोर्ट में जो जॉब रहने वाली है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे एसोसिएट इंजीनियर वन कस्टमर सपोर्ट की है, एसोसिएट इंजीनियर वन कस्टमर सपोर्ट इन्वेंट्री में है। फिर गाइस ऐसे ही गाइस कस्टमर एसोसिएट इंजीनियर वन की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब्स है। तो जैसे कुछ इसमें जॉब्स 1 ईयर मिनिमम जिसमें एक्सपीरियंस लिखा है, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसकी डिटेल बात कर लेते हैं सीधी। तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे देखोगे इंजीनियर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, बस इतना ही लिखा है इसमें, आप अप्लाई करते हो ये, बाकी आप डिटेल पढ़ लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी है कंपनी के बारे में। अप्लाई करना है तो यहाँ पे कितनी अप्लाई कर सकते हो और अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एसोसिएट इंजीनियर वन की काफी जॉब्स है। जैसे ये देखोगे एसोसिएट जूनियर इंजीनियर के रहने वाली है, इसे ओपन कर देता हूँ चुकी है। तो इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है। जो इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है गाइस डिप्लोमा ग्रेजुएट एंड अबव एंट्री लेवल, मतलब आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल रहने वाले हो, ग्रेजुएट हो वो भी एलिजिबल रहने वाले हो, एंट्री लेवल एलिजिबल हो, फ्रेशर अप्लाई कर लेना। अगर आपके प्रीवियस ड्रोन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज मिलेगी, अप्लाई यहाँ से करते हो। नेक्स्ट आपको जॉब दिखाता हूँ गाइस, इसमें ऐसी ही गाइस काफी जॉब रहने वाली है, यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें भी अप्लाई करते हो। इसके बाद यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप अगर करने कर रहे हो आप। फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए, ये जॉब रहने वाली है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें। फिर गए स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेशन में जॉब रहने वाली है, ये एसोसिएट जूनियर इंजीनियर सप्लाई चेन। तो ये गाइस आप देखोगे 0 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले, क्वालिफिकेशन गाइस यहाँ पे मेंशन करिए, यहाँ पे इतना ही लिखा है, आप इसे पढ़ लो अप्लाई करने से पहले, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एक क्वालिटी की जॉब रहने वाली, दो क्वालिटी डिपार्टमेंट में दोनों ही गाइस फ्रेशर रहने वाली है। यहाँ पे देखो कि बैंगलोर दोनों की लोकेशन रहने वाली है, दोनों का सेम टाइटल रहने वाला है, एसोसिएट इंजीनियर वन क्वालिटी इंश्योरेंस में। तो इसको मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, बी के रहे उनसे अपने बी बीटेक मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल रहने वाले, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जॉब रहने वाली है उसे भी देख लेते हैं। तो ये जॉब ओपन कर ली गई, यहाँ पे देखो सेकंड वाली है ये क्वालिटी इंश्योरेंस में, तो इसकी क्वालिफिकेशन भी गई सेम रहने वाली है। इसमें आप अप्लाई करते हो, अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर करते हो, गई ये जॉब रहने वाली है इस कंपनी में। थैंक यू गाइस।